देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले ही अपनी वर्किंग हम लोगों ने चालू कर दी है। प्री इलेक्शन प्रिपेयरनेस के माध्यम से लोगों की मीटिंग हो रही है, बूथ ब्लॉक मंडल के साथियों से बातचीत हो रही है और कैसे आने वाले चुनाव में वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे और उन वादों पर जनता ने उन पर विश्वास किया और सरकार में वो बने, दो बार दो टर्म हो गया। महंगाई अपनी वहीं जहाँ है, महंगाई जितना उन्होंने महंगाई की बात की थी, बेरोजगारी की बात की थी, सब अपनी जगह में वही है। कहीं कुछ काम जनता का नहीं हुआ। असम प्रदेश की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। राज्य में भी चुनाव हुआ, राज्य में भी बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन वो जनता के वादों को पूरा नहीं किया गया। उन तमाम चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम हमारे लिए, हमारे बेनिफिट में होगा। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। जो लोग मजबूत नहीं है, वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों को वहाँ ले जाएं। और जो लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के साथ है, जो गलत जन विरोधी नीति योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लोगों का काम नहीं हो रहा है, अगर उनका साथ देने वाले जो लोग हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, वो उसको कल जाना है, वो आज चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं के दम पर ये पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ काम किया। 15 साल तरुण गोगोई जी की सरकार इस प्रदेश में काम की। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर सबसे ईमानदार व्यक्ति, सबसे ऑनेस्ट व्यक्ति, एक मिसाल कायम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में तरुण गोगोई जी ने काम किया। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग, जो भाईचारे को लेकर चलने वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सबको एक साथ रखकर भाईचारे में चुनाव लड़ते हैं। हम दंगा भड़काकर, लोगों को भड़काकर चुनाव नहीं लड़ते। हम किसी धर्म की, किसी जाति विशेष की बात नहीं करते। हम जनता की भलाई और उसके अच्छे कामने की बात करते हैं। असम का चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या बोला जाए आप? देखिए, असम प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोलना है, इस प्रदेश की जनता भली भांति उनको जानती है। कब नेता बने, किस के दम पर नेता बने और किस सिंबल पर पहला चुनाव लड़ा था और किनके कार्यकर्ताओं पर वो नेता बने, वो सब लोग जानते हैं। सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए, जो चुनिंदा आका दिल्ली में हैं, उनको खुश करने के लिए अलग अलग तौर तरीके अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता की भलाई नहीं, अपना जेब भर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, लेकिन जनता की भलाई करने वाले नहीं। एक बार झूठ बोलकर आदमी सफल हो सकता है, दो बार हो सकता है, तीसरी बार नहीं हो पाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले ही अपनी वर्किंग हम लोगों ने चालू कर दी है। प्री इलेक्शन प्रिपेयरनेस के माध्यम से लोगों की मीटिंग हो रही है, बूथ ब्लॉक मंडल के साथियों से बातचीत हो रही है और कैसे आने वाले चुनाव में वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे और उन वादों पर जनता ने उन पर विश्वास किया और सरकार में वो बने, दो बार दो टर्म हो गया। महंगाई अपनी वहीं जहाँ है, महंगाई जितना उन्होंने महंगाई की बात की थी, बेरोजगारी की बात की थी, सब अपनी जगह में वहीं है। कहीं कुछ काम जनता का नहीं हुआ। असम प्रदेश की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। राज्य में भी चुनाव हुआ, राज्य में भी बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन वो जनता के वादों को पूरा नहीं किया गया। उन तमाम चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम हमारे लिए, हमारे बेनिफिट में होगा। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। जो लोग मजबूत नहीं है, वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों को वहाँ ले जाएं। और जो लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के साथ है, जो गलत जन विरोधी नीति योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लोगों का काम नहीं हो रहा है, अगर उनका साथ देने वाले जो लोग हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, वो उसको कल जाना है, वो आज चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं के दम पर ये पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ काम किया। 15 साल तरुण गोगोई जी की सरकार इस प्रदेश में काम की। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर सबसे ईमानदार व्यक्ति, सबसे ऑनेस्ट व्यक्ति, एक मिसाल कायम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में तरुण गोगोई जी ने काम किया। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग, जो भाईचारे को लेकर चलने वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सबको एक साथ रखकर भाईचारे में चुनाव लड़ते हैं। हम दंगा भड़काकर, लोगों को भड़काकर चुनाव नहीं लड़ते। हम किसी धर्म की, किसी जाति विशेष की बात नहीं करते। हम जनता की भलाई और उसके अच्छे कामने की बात करते हैं। असम का चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या बोला जाए आप? देखिए, असम प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोलना है, इस प्रदेश की जनता भली भांति उनको जानती है। कब नेता बने, किस के दम पर नेता बने और किस सिंबल पर पहला चुनाव लड़ा था और किनके कार्यकर्ताओं पर वो नेता बने, वो सब लोग जानते हैं। सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए, जो
जो चुनिंदा आका दिल्ली में है उनको खुश करने के लिए अलग अलग तौर तरीके अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता की भलाई नहीं, अपना जेब भर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, लेकिन जनता की भलाई करने वाले नहीं। एक बार झूठ बोलकर आदमी सफल हो सकता है, दो बार हो सकता है, तीसरी बार नहीं हो पाएगा।